आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की एकदम नई रेसिपी, जो आप एक बार चखेंगे तो बार बार बनाएंगे। आज हम लौकी की एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये लौकी लिए ना बड़े साइज की ना छोटी, मीडियम है बिल्कुल और बिल्कुल फ्रेश है। इसमें हम सबसे पहले ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से, जिससे कि हम इसको जब सेकेंगे इस पर तो इसके ऊपर का छिलका अच्छे से आसानी से उतर जाए। ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसमें हम ये फोक से ऐसे छेद कर देंगे सब तरफ से, जिससे कि जब ये सिके तो अंदर भी इसको अच्छे से आँच मिल सके। ये हमने लौकी को देखिए एक स्टैंड पे रख दिया है गैस ऑन करके। अब इसको हम चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये लौकी अच्छे से सिक चुकी है, अब इसको हम उतार लेते हैं गैस पे से। ये हमने थाली में निकाल लिए, अब इस पर हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसके ऊपर का छिलका निकालेंगे। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे इसी पानी में और फिर इसको अच्छे से धो भी लेंगे। ये लौकी को हमने साफ कर लिया है, हम इसको काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में। अब आप चाहें तो इसको मिक्सर से कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर ये वाले चॉपर सभी के घर में होते हैं, ऐसे चॉपर में हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। ये हमने लौकी को देखिए बारीक चॉप कर लिया है चॉपर की सहायता से, आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं। अब गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम उसमें हींग डालेंगे, एक चम्मच जीरा, जीरे को अच्छे से होने देंगे। ये दो प्याज को हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है, और जीरे के बाद में प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप चाहें तो अदरक और लहसुन को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। हमारे पास पेस्ट था इसलिए हमने पेस्ट डाल दिया। प्याज अच्छे से हो चुकी है, अब इसमें हम तीन से चार टमाटर थे इनको भी हमने बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे, मिला लेंगे। और इसी के साथ में हम एक चम्मच बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ये आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर भी हो चुके हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले के लिए हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले जले ना। मसाला चेक कर लेते हैं, देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है चॉप करके बारीक। मिला देंगे, लौकी को मिला लिया है। अब इसमें हम ये 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आपने लौकी के कोफ्ते खाएंगे, एक बार आप लौकी को ऐसे भी बना के देखें। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, मिला के हम इसे 2 मिनट के लिए इसको ढक के चेक कर लेते हैं। देखिए ये अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। लास्ट वन हम इसमें ये हरी मिर्च के हमने पीस कर लिए हैं बीच में से, और